नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ आपकी प्रॉपर्टी के टॉपिक को लेकर के, आपके बैंक लोन्स के टॉपिक को लेकर के। आप प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके यानी कि प्रॉपर्टी गिरवी रख के बैंक में जब लोन लेते हैं तो किस तरह से आपकी प्रॉपर्टी गिरवी रखी जाती है, उसकी क्या रिपरकशंस होते हैं, आज हम बात उसकी करने वाली हैं। कितनी तरह की मॉर्गेजेस हैं जो बैंक में यूजुअली अप्लाई होती हैं, जिससे जिसके बेसिस पे आपके प्रॉपर्टी के ऊपर लोन दिया जाता है, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के यूजफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, बात करते हैं मॉर्गेजेस की। तो वैसे अगर हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात करें जो भारत में लागू होता है, तो उसमें 8 तरह की मॉर्गेजेस दिए हुए हैं, 8 तरह के तरीके दिए हुए हैं जिससे आपकी प्रॉपर्टी गिरवी रखी जा सकती है। पर बैंक में जनरली 2 ही तरह के मॉर्गेज यूज होते हैं और हम बात उन्हीं की करेंगे, और वो है इक्विटेबल मॉर्गेज और रजिस्टर्ड मॉर्गेज। तो यस दोस्तों, यही 2 मॉर्गेजेस हैं जो बैंक में यूज होते हैं, और ये दोनों ही मॉर्गेजेस में बैंक आपकी प्रॉपर्टी की पोजेशन नहीं लेता है, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी आपके पास ही बनी रहती है। तो दोस्तों, कुछ लोगों को जो ये डर रहता है कि अगर हम प्रॉपर्टी गिरवी रख देंगे और उसके एवज में लोन लेंगे तो हम रहेंगे कहाँ पे, हमारी प्रॉपर्टी बैंक के हाथ में चली जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। आपकी प्रॉपर्टी आप ही के पास रहती है, उसका कब्जा आप ही के पास रहता है, आप ही के पोजेशन में रहती है, पोजेशन बैंक नहीं लेता है। आइदर इक्विटेबल मॉर्गेज की बात करें या फिर रजिस्टर्ड मॉर्गेज की बात करें, बैंक इसका कब्जा नहीं लेता है, कब्जा आपके पास रहता है। तो ये इक्विटेबल मॉर्गेज और रजिस्टर्ड मॉर्गेज है क्या? तो पहले हम बात करते हैं इक्विटेबल मॉर्गेज की। दोस्तों, इक्विटेबल मॉर्गेज एज पर लॉ जो डिफाइन होता है, उसका जो सारांश अगर हम कहें तो वो ये है कि जब कोई प्रॉपर्टी ओनर यानी कि उस प्रॉपर्टी का जो मालिक है, वो अपने हाथ से अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स बैंक लेकर के जाए, बैंक ब्रांच लेकर के जाए, और अपने हाथ से बैंक के ऑफिसर के हाथ में वो प्रॉपर्टी पेपर्स दे और उसको अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखे, तो ये जो है इक्विटेबल मॉर्गेज हो जाता है, यानी कि मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट्स। वो अपने टाइटल डॉक्यूमेंट्स जो है बैंक में जमा करवाता है और उसके एवज में वो लोन लेता है अपनी प्रॉपर्टी को रहन रख करके, गिरवी रख करके। तो दोस्तों, इसमें कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जो पेपर्स हैं, टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रॉपर्टी पेपर्स हैं, वो स्पेसिफिकली उस ही प्रॉपर्टी के होने चाहिए जो प्रॉपर्टी बैंक मॉर्गेज करने वाला है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो ओनर है, जो मालिक है उस कागज के थ्रू, उस कागजों में, उस टाइटल डॉक्यूमेंट में, लास्ट टाइटल डॉक्यूमेंट में जो मालिक है वो मॉर्गेजर बनेगा, वो खुद से अपने हाथ से ये टाइटल डॉक्यूमेंट्स जो है बैंक ऑफिसर के हाथ में देगा बैंक ब्रांच जा करके। नंबर 3 पॉइंट, वो एब्सोल्यूट ओनर होना चाहिए, यानी कि उसका जो मालिकाना हक है उस स्पेसिफिक पोर्शन पे जो वो मॉर्गेज कर रहा है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, किसी तरह का उसमें अलगाव नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ और कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, अनकंडीशनल ओनरशिप आनी चाहिए। तीसरी चीज दोस्तों, इसकी मार्केटेबिलिटी भी होनी चाहिए प्रॉपर्टी की, यानी कि अगर कल को आप लोन नहीं दे पाते हैं और बैंक को ये प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है तो ये मार्केट में बिकने लायक हो प्रॉपर्टी, और आपका टाइटल क्लियर होना चाहिए, यानी कि इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए आपकी ओनरशिप में। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं दोस्तों। अब बात करते हैं रजिस्टर्ड मॉर्गेज की, कि फिर रजिस्टर्ड मॉर्गेज की जरूरत ही क्या है अगर हम अपने प्रॉपर्टी के कागज ले जाके बैंक को दे देते हैं और उसके बेसिस पे लोन मिल जाता है, तो बैंक रजिस्टर्ड मॉर्गेज क्यों करवाता है? रजिस्टर्ड मॉर्गेज में काफी खर्चा भी आता है, क्योंकि रजिस्टर्ड मॉर्गेज में सिर्फ आपके प्रॉपर्टी पेपर्स के बेसिस पे आपको लोन नहीं मिलता है, जो आपने प्रॉपर्टी दी है उसको रजिस्टर्ड मॉर्गेज डीड एग्जीक्यूट करवाया जाता है कंसर्न सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, यानी कि जहां पे आपकी प्रॉपर्टी है उस एरिया का जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस पड़ता है वहां पर आपका रजिस्टर्ड मॉर्गेज डीड बैंक रजिस्टर्ड करवाता है, जिसमें एरिया टू एरिया अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी लगती है जो कि 1.5% से 2.5%, 3% ऑफ द लोन अमाउंट भी हो जाती है,
और ये कुछ लाखों में पहुंच जाती है जो खर्चा होता है रजिस्टर्ड मॉर्गेज डीड रजिस्टर्ड करवाने का, एग्जीक्यूट करवाने का। तो जब डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड हो रहा है तो रजिस्टर्ड मॉर्गेज डीड एग्जीक्यूट ही क्यों हो रही है? तो दोस्तों, जहां पे आप मालिक तो दिख रहे हैं लेकिन जो आपका टाइटल है वो एब्सोल्यूट नहीं आ रहा है, आपकी जो ओनरशिप है वो एब्सोल्यूट किसी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट के थ्रू नहीं आ रही है, या फिर आप किसी बड़े पोर्शन के मालिक हैं लेकिन आप वो पूरा पोर्शन मॉर्गेज नहीं कर रहे हैं, उसमें से कुछ हिस्सा ही मॉर्गेज कर रहे हैं, तो ऐसे में रजिस्टर्ड मॉर्गेज करवाई जाती है। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, जैसे कि दो जनों के नाम पे, आप दो भाइयों के नाम पे कोई सेल डीड है जो कि 500 गज लैंड की है। अब आप दोनों भाइयों ने आपस में पार्टीशन डीड कर ली, 250 गज एक भाई को बांट दी और 250 गज दूसरे भाई को बांट दी। अब आप अपनी वाली 250 गज जो है बैंक के पास लोन लेना चाहते हैं गिरवी रख करके। अब ऐसे में क्या होगा, जो आपका टाइटल डॉक्यूमेंट है यानी कि सेल डीड है वो दो लोगों के नाम पे है, लेकिन लोन तो आप ही लेने वाले हैं, एक ही व्यक्ति लेने वाला है। जो टाइटल डॉक्यूमेंट सेल डीड है वो 500 गज की है, लेकिन आप मॉर्गेज कितनी करने वाले हैं, 250 गज, यानी कि जो मॉर्गेज पोर्शन होने वाला है उस मॉर्गेज पोर्शन का डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास। ठीक इसी तरह अगर पार्टीशन डीड की भी बात करें तो इसमें दो व्यक्तियों का नाम है जबकि मॉर्गेजर एक ही व्यक्ति होगा। इसमें दो अलग अलग 250 गज के हिस्सों की बात हो रही है पार्टीशन डीड में, लेकिन जो मॉर्गेज में आ रहा है बैंक के लोन पे आ रहा है वो सिर्फ एक ही 250 गज का हिस्सा आ रहा है। तो यानी कि दोनों ही डॉक्यूमेंट एब्सोल्यूट नहीं है जबकि क्लियर और मार्केटेबल तो है, तो लोन तो इस पे मिल सकता है। इस पे ये भी दिख रहा है कि आप मालिक हैं लेकिन ये इक्विटेबल मॉर्गेज के दायरे में नहीं आता है, इसलिए आपको इस पे रजिस्टर्ड मॉर्गेज करवानी पड़ जाती है बैंक रूल्स के हिसाब से। दूसरा एग्जाम्पल बताऊंगी कि आप खुद ही मालिक हैं, आप अकेले मालिक हैं एक पूरी बिल्डिंग के जिसमें ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर बने हुए हैं। आपके पास कन्वेंस डीड है पूरी बिल्डिंग की। अब आपने इसमें से ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर किसी और को बेच दिया, आपके पास सिर्फ सेकेंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर है जिसे आप गिरवी रख करके लोन लेना चाहते हैं। ऐसे में क्या होगा कि जो आपका टाइटल डॉक्यूमेंट है वो तो पूरी बिल्डिंग का है लेकिन आप मॉर्गेज सिर्फ इसमें से दो फ्लोर कर रहे हैं, तो ये इक्विटेबल मॉर्गेज के दायरे में ना करके रजिस्टर्ड मॉर्गेज होगा। ऐसे केस में आपको रजिस्टर्ड मॉर्गेज करवानी पड़ जाएगी। तो दोस्तों, ये है रजिस्टर्ड मॉर्गेज का फंडा कि जहां पे आपकी इक्विटेबल मॉर्गेज एब्सोल्यूट नहीं आती है वहां पे, या कोई दिक्कत आती है वहां पे आपको रजिस्टर्ड मॉर्गेज डीड करवानी पड़ती है। एक और जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊंगी कि सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसके नाम पे सेल डीड है और उसने अपने बेटे के नाम पे विल कर दी और विल करके उनका देहांत हो गया। ये इकलौती विल की है हालांकि, और उस व्यक्ति का देहांत हो गया। तो अब ये जो इकलौता बेटा है ये विल के थ्रू मालिक बन गया, दिख रहा है कि और कोई लीगल हेयर है ही नहीं उस मृतक व्यक्ति का, उस डिजीज्ड पर्सन का, डिजीज डोनर का कोई और कोई लीगल हेयर नहीं है। लेकिन एब्सोल्यूट टाइटल डॉक्यूमेंट क्या था इसमें, सेल डीड जिसके नाम पे थी उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और जो उसका इकलौता सर्वाइविंग लीगल हेयर है दिख रहा है कि वो मालिक बन चुका है लेकिन उसके पास एब्सोल्यूट टाइटल डॉक्यूमेंट कोई है ही नहीं, तो क्या जमा करवा के वो इक्विटेबल मॉर्गेज करेगा? तो ऐसे केस में जहां दिख रहा है कि वो मालिक है लेकिन कोई टाइटल डॉक्यूमेंट एज सच स्पेसिफिक एब्सोल्यूट टाइटल डॉक्यूमेंट उसके नाम पे नहीं है, जहाँ पे दिखाया जा जो डिपॉजिट करके इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएट किया जा सके, तो इस केस में रजिस्टर्ड मॉर्गेज क्रिएट की जाती है। तो दोस्तों, ये डिफरेंस है इक्विटेबल मॉर्गेज और रजिस्टर्ड मॉर्गेज में। आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज है तो ज़रूर बताइएगा मेरे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको समझ आया होगा, कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे हमेशा पूछ सकते हैं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शुभ बखैर।